नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज बनाते हैं हम राजस्थानी स्टाइल में भरवा बैंगन। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, स्पेशली बाजरे की रोटी के साथ जो इनका इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लाजवाब है। बनाने में भी काफ़ी ईजी है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको बताया है बनाना। मेरे चैनल को अगर आप सभी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर आइए फटाफट से बनाते हैं राजस्थानी स्टाइल में भरवा बैंगन। तो ये देसी बैंगन लिए हैं जो कि मीडियम साइज के होते हैं, इस तरीके से इनमें थोड़े थोड़े से कांटे होते हैं। तो वैसे इन बैंगन में बहुत ज़्यादा कांटे नहीं है, कहीं कहीं पर एक दो ही है। तो कांटे हो तो आप चाकू की सहायता से उन कांटों को ज़रूर अलग कर लें। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और कट लगा लिए इस तरीके से, दोनों तरफ हमने क्रॉस में कट लगा लिया है। तो नीचे बैंगन का जॉइंट जरूर रखें, उसको बिल्कुल नीचे तक कट ना लगाएं। तो ये हमने ले लिया है 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और थोड़ा सा नमक। इसमें अब हम डाल देंगे ये थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का कूटा हुआ पेस्ट। थोड़ी सी इसमें हमने अदरक भी डाल दी थी, यानी कि लहसुन हरी मिर्च और अदरक का कूटा हुआ ये थोड़ा पेस्ट है। और 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे और इसको हम गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बना लेंगे। उतना गाढ़ा रखना है कि आराम से हम बैंगन में स्टफ कर पाए। तो अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा दही कम लग रहा है तो 1 चम्मच और डाल देते हैं। ये हल्का खट्टा दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। तो अच्छे से एक बार मिक्स करके चेक कर लेंगे। तो 1 चम्मच में थोड़ा और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा है ये मिक्सचर, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो भरवा बैंगन है बनाने में काफी सिंपल और इजी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें हम बहुत ज्यादा तामझाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बैंगनों में हम ये स्टफिंग को स्टफ कर लेंगे। तो ये चाकू की सहायता से करेंगे तो काफी इजी रहेगा। इस तरीके से चाकू पे हमने ले लिया है थोड़ा सा मिक्सचर और बैंगन को इस तरीके से हम खोल देंगे और इस तरीके से इसके अंदर स्टफ कर देंगे। तो इस तरीके से बैंगन में कट लगा के चेक जरूर कर ले अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो, फिर ही उनको आप इस तरीके से भरें। और जो ये देसी बैंगन होते हैं इनका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बस फटाफट से सारे बैंगनों को हम भर लेंगे। तो जितना आसानी से हम भर पाए उतना भर लेते हैं। ये देखिए सारे बैंगन मैंने भर के तैयार कर लिए। तब पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, लगभग 2 से 2.5 चम्मच टेबलस्पून मूंगफली का ऑयल लिया है। और जो थोड़ा सा ये स्टफिंग का मिक्सचर बच गया था उसी में हमने और मसाले मिला लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक है टेस्ट के हिसाब से और थोड़ी सी 1/4 चम्मच के करीब हल्दी है। तो सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें जो मसाला अगर बच भी जाता है स्टफिंग का तो फिर इसमें यूज आ जाएगा। और इस तरीके से पानी डाल के गाढ़ा हमने पेस्ट बना लिया है। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आप सभी जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। स्पेशली जो सर्दियों में जो देसी बैंगन आते हैं उसकी ये भरवा सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है आपको, बहुत ही कम समय और कम सामग्री में। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी राई। राई को क्रैकल होने देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं 1 पत्ता तेज पत्ता। थोड़ी हींग डाल दी हमने 1/4 चम्मच। बैंगन कई बार क्या होता है कि डाइजेशन में भी थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बैंगन को बाधिकारक माना जाता है। तो थोड़ी सी हींग डालने से क्या होता है कि डाइजेशन में काफ़ी मदद करती है हींग, और टेस्ट में तो
अच्छी होती ही है। अब डाल दिया हमने ये दो प्याज बारीक कटे हुए, अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, तो अभी डाल देंगे हम 8-10 कलियां लहसुन है, एक हरी मिर्च है, एक छोटा सा टुकड़ा आधे इंच के करीब अदरक का है। इन सभी को हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो इसको डाल देते हैं इसमें मिक्स करके। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है वो भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो फ्रेश हम कूट कर जो पेस्ट बनाते हैं दरदरा, उसका टेस्ट ही बहुत ही शानदार होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए लहसुन वगैरह का। तो अब जो हमने ये मसालों का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देते हैं हम। तो बर्तन में थोड़ा सा मसाला है, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम मिक्स करके ले लेंगे। एक बार इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो थोड़ा सा पानी डाल के हमने सारा मसाला ले लिया है, इसमें डाल देते हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और मसाले को थोड़ा सा हम पका लिया हमने 1-2 मिनट। अब इसमें हम डाल देंगे ये बारीक चॉप किए हुए टमाटर, चॉपर में मैंने एकदम बारीक कर लिया है, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। और अब मसाले के साथ ही टमाटर को भी हम पका लेंगे। इस सब्जी में जो आप टमाटर डालें तो वो थोड़ा सा जो देसी टमाटर आते हैं ना हल्के खट्टे वाले, वो टमाटर का यूज़ करें तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। जो सलाद वाले लाल लाल टमाटर आते हैं वो नहीं डालें इसमें। तो देखिए हमने ढककर 2 मिनट पकाया था, तो देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला पक गया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर दिखने लगा है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये स्टफ किए हुए जो बैंगन है वो हम इसमें डाल देंगे। और हल्के हाथ से इनको अच्छे से एक बार हम मसाले के साथ पका लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमने बैंगन के अंदर मसाला भरा है वो पकाया हुआ नहीं है, कच्चा है, तो थोड़ा सा वो भी इसमें मसाले के साथ थोड़ा सा पक जाएगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम पानी डाल देते हैं फिर जो अंदर वाला मसाला है वो फिर अच्छे तरीके से पकता नहीं है, तो फिर उसमें कच्चा फ्लेवर आएगा। तो अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, 1-2 मिनट इस मसाले के साथ में इनको पका लेंगे थोड़ा। तो देखिए ढक देते हैं थोड़ा, इसको पकने देंगे 2-2.5 मिनट। तो ये देखिए 2-2.5 मिनट मसाले के साथ हमने बैंगनों को पकाया है, तो अंदर वाला मसाला भी लगभग हमारा पक गया है बैंगन के अंदर जो हमने स्टफ किया था। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो ये बैंगन कच्चे कच्चे ही हैं तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 1-2 टेबल स्पून मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ढककर हम धीमे धीमे पकने देंगे। बीच में 1-2 बार चेक कर सकते हैं जब तक कि ये जो बैंगन है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए ये लगभग 3-4 मिनट इसको हमने स्लो फ्लेम पर पकाया है। देखिए काफ़ी हद तक जो बैंगन है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि तले में जो है मसाले वगैरह चिपक ना जाए। तो इस तरीके जब आप भरवा सब्जियां बनाते हैं जिनमें हम पानी का यूज़ बहुत ही कम करते हैं,
और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें उनको भाप में ही पकाना होता है। तो आप किसी हैवी बॉटम का बर्तन लें जिसका जो तला है वो थोड़ा सा मोटा रहे ताकि सब्जी जो है चिपके नहीं, पानी भी हमें कम डालना पड़े। देखिए हमने बैंगन को काट के चेक किया था तो ये लगभग 80% पक गए थे, तो 1 से 2 मिनट हमने ढककर और पका लिया है। और ये देखिए बिल्कुल ऑयल मसाले अलग से दिखने लगे हैं, बैंगन भी कलर काफ़ी चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस हम बंद कर देंगे, एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं सब्जी को, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो ये बंद करने के बाद भी सब्जी हमारी पकती रहेगी तो मसाला जो है तले में चिपके नहीं। तो एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर जो बैंगन है वो आपके टूट जाएंगे, तो ओवर कुक नहीं करना है आपको। बस बैंगन को कट करके देखें, इजीली कट रहा है यानी कि वो पक चुके हैं। तो ये देखिए ये हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो देखिए कितने शानदार और परफेक्ट हमारे राजस्थानी स्टाइल में भरवा बैंगन बनके रेडी हो गए।